इंडोनेशिया के गांवों के अंदर भाई, इंडोनेशिया में लोग पहले कैसे रहते थे ये गांव दिखाएंगे आपको, हर चीज़ दिखाएंगे, उनका घर, उनका सारा रहने खाने पीने का सिस्टम अंदर चलती है। गांव देखो इस तरफ से, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। और ये जगह है, ये बाली आइलैंड हाउस के ऊपर बना भाई, सबसे पहले सामने ये चीज़ है। और तो सुनो भाई, क्या चीज़ बनी ये, क्या घंटी बजी क्या? ये घंटा है भाई, मगर ये बम्बू से बने हुए हैं। बम्बू से बने? हाँ, थोतले बम्बू है। अच्छा, ये कोई लकड़ है और इसमें क्या है कि वो डंडे से मारते थे तो उसमें साउंड होता था। अच्छा, तो सबको पता चलता था कि अभी प्रेयर का टाइम हो गया या कोई अनाउंसमेंट करनी है। ये देखो जी, सभी लोग ना बारिश के अंदर ही गांव देख रहे हैं और हम भी बारिश के अंदर ही देख रहे हैं, तो आप सबको बारिश के अंदर ही गांव दिखाएंगे भैया। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ का मस्त है, मतलब जैसे एसी चला रखा नॉर्मल टेम्परेचर में वैसा लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखा हमने, यहाँ लाइट भी लगी हुई है। और अभी अंदर चलते हैं और आगे चल के देखते हैं जो सारा लिखा है। इंडोनेशिया में गाँव में लोग कैसे, कैसा गाँव होता था वो सारा ऐसा कुछ नज़ारा है। देखो यहाँ से बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आएगा आगे देखे। देखो सबसे पहले ये थोड़े आगे निकल जाते हैं, फिर आप लोग देखेंगे पूरा व्यू दिखाई देगा यहाँ से। इस तरफ देखो और इस तरफ देखो, वो देखो सामने जी, क्या मस्त नज़ारा है। ये देखो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो जी, लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट, है ना, जितने भाई ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा है। इधर चलें भाई, उधर चलें, चलें अपन इस तरफ चलेंगे, यहाँ इस तरफ से देखेंगे चल के। ये देखो जी, ये देखो पूरा गाँव घूम के दिखाएंगे भाई। ये देखो कैसे लोग रहते थे, इस तरफ देखो और इस साइड देखो। ये उतरने के लिए यहाँ देखो जी, पत्थर भी हैं जमा रखे हैं, सीमेंट वमेंट भी लगी हुई इसके अंदर। ये रास्ता नीचे उतर, पुराना है, तब का ही बना हुआ है, काफी टाइम का। अच्छा, ये सब पुराना है। हाँ, ये देखो एक नॉर्मल जो अपने चौपाल टाइप होते हैं बैठने के लिए, यहाँ ऐसा कुछ फर्श जैसा लगा हुआ, ये तकत जैसे बोल, तकत होते ना, वो तकत जैसा लगा हुआ। ये देखो, ये देखो इस तरफ ये तकत बिछा हुआ भाई आराम से, ऊपर इस पे ऊपर की छत देखोगे ना आप। ये छत किस चीज की बनी भाई, ये पत्थर है भाई या? ये एक्चुअली बम्बू ही है भाई। अच्छा, ये बम्बू ही बना हाँ, रखा है। अभी क्या है, टाइल्स में आने लग गया, पहले बम्बू से बनाते थे। ये पूरा बम्बू का बना हुआ, देखो ये बम्बू का बना हुआ, वो आगे टाइल्स है भाई। ये बने हुए छत्ते हैं या हाँ, ये ऐसी चीजें है ना, सिर्फ यहाँ पे सड़कें वगैरह है ना, वो जैसे मिट्टी पत्थर से बनी हुई है, बाकी सब कुछ रहेगा अपना बम्बू से, ये देखो लकड़ से। ये देखो ये हम नीचे जा रहे हैं, आगे गाँव की तरफ। ये बम्बू लगा रखा है जी, ये सामने आपको तो ऐसे दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, ये बम्बू लगा हुआ है। इस तरफ देखो, सभी घरों के सामने ना आपको ये दिखाई देगा, ये ड्रैगन जैसा, ये क्या देखो, और ऐसे गेट दिखाई देंगे इस तरह के गेट, और इस सारा का सारा आपको इस कलर में है। इन पर हमने ना कोई पेंट दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ कैसा लग रहा होगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, ऐसा कुछ नज़ारा नज़र आएगा। ये देखो जी, और ये देखो इस तरफ, ये पूरा बैम्बू का बना हुआ, 80 अंदर पानी जाना तो असंभव, पानी जा ही नहीं सकता। थोड़ा नज़दीक चल के मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ सैनिटाइजर भी रखा हुआ है यहाँ, और ये देखो नीचे इसका बैम्बू का बना हुआ है, ये बैम्बू का, बैम्बू का डिजाइन करके काट काट करके ऐसे बना रखा है पूरा का पूरा। ये देखो गजब है पूरा, इसके अंदर पानी आने का तो मतलब ही नहीं है। पुराना गांव है ना, तो पुराना गांव देखो कैसे, ये पूरा आपको दिखाई देगा ऐसे करके। ये दीवारें भी ना घस गई हैं ऐसे करके, थोड़ा बहुत रिपेयर कर रखा है इस तरफ से, ये घसी हुई है। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो जरूर बताएं भी कमेंट करके। ये देखो बहुत सुंदर, आलीशान, शानदार, मस्त लग रहा है भाई। इस तरफ देखो, ये दुकान बनी हुई है यहाँ पे, अगर किराए हाँ, पे भी ले सकते हैं हाँ, और जैसे कपड़े यहाँ की है अगर फोटो खिंचानी है उसके लिए, या फिर अपने जैसे पुराने आइटम है हाँ हाँ, उनकी यानी कि अब पुराने आइटम तो नहीं है, खैर उनकी कॉपी होती है, नई बना देते हैं, तो पुराने जमाने में ऐसे होता, तो वो अगर लेना है आपको यादगार के लिए तो ले सकते हैं। ये देखो जी आगे ऐसा ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इस तरफ इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देखो इस तरफ ये हो गया, ये यहाँ के पूजा के स्थान है। इसके ऊपर देखो कैसे बम्बू के अंदर है ना, ये घास फूस जाम गई भाई। ये देखो अंदर खाने का बनाया हुआ है हाँ, अच्छा खाने का है हाँ, थोड़ा अंदर चलते देख, तो ये इसमें ये सीढ़ियाँ लगा रखी हैं अभी, थोड़ा टेटा कर लो हाँ, छतरी को या बंद करना पड़ेगा, छाता हमने ले रखा भाई, बारिश हो रही है ना, बंद करना बंद करना पड़ेगा छाते को, क्योंकि इसके अंदर से निकलना ना मुश्किल है, थोड़ा हमारे हाथ में छाता है। ये देखो छाता ले रखा भाई। ये देखो जी अभी हम इसके अंदर घुस गए भाई, और यहाँ का व्यू अंदर घुसने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता भाई, रियल में जैसे कोई फिल्म शूटिंग हो रही हो, जबरदस्त एक बड़ा नहीं, सारा है ऐसे नहीं, छोटा सा है हाँ, रियल से पूरा अपने कवर नहीं कर पाएंगे। ये
ये ऐसे ही इन्होंने, आप भाई सफाई देखो यार क्या बात है, फूल पेड़ पौधे, और ये देखो ये क्या लाइट की फिटिंग है इस तरह भाई। हाँ ये तो अभी की हुई है भाई। हाँ पहले लाइट नहीं होती थी ना पुराने जमाने। अच्छा अच्छा, ये तो अभी क्या है कि कर दिया ना। बिल्कुल भाई, बारिश भी तेज हो गई है। ये देखो जी इस तरफ ये गांव दिखा रहे हैं आपको, मंदिर घुस गए हैं, और ये ना पूरा पक्का फर्श बना हुआ है। ये देखो पूरा पक्का फर्श बना हुआ भाई। हाँ। ये जैसे अंदर देखो बना रखे ना। हाँ। ऐसे बैठने के लिए होते थे, ये खाने के जगह होती थी, बैठने के लिए ये जगह बनी है भाई, खाने के लिए ऐसे मैट लगा के। ये घर के दरवाजे होते थे ऐसे। ये देखो जी घर के दरवाजे, आप देखो इस तरफ पुराने टाइप का, बिल्कुल ओल्ड टाइप का ही घर हो गया, और पुराने ही दरवाजे आपको दिखाई देंगे। देखो क्या बात है, पूरा बेम्बू का बना हुआ, ये बेम्बू का ना जैसे अपने चारपाई बनाते हैं ना वैसे बना हुआ है। इस तरह देखो जी, ये बारिश आ गई तेज भाई थोड़ा सा, हम इसके अंदर घुस जाते हैं एक बार। ये क्या बना है बेम्बू का भाई, ये भी कोई सामान वामान इसके अंदर रखने के लिए अलमीरा जैसा बना हुआ भाई। अभी भी इसमें लोग रह रहे हैं। अच्छा थोड़ा और अंदर चलते हैं, मैं आपको ना काफी गहरा है। पीछे पीछे आंटी आई है ना। हाँ आराम करने की जगह है, इधर से निकल जाते हैं। हाँ। ये सारे घर ही हैं, ये घर है भाई, ये लोग देखो रह रहे हैं इसके अंदर, ये घर है इसके अंदर लोग रह रहे हैं भाई। कितना सुंदर भाव, देखो वो पक्षी भी पाल रखे हैं। आगे देखो क्या बात है, वो अंकल आराम कर रहे हैं। देखो अंकल इसमें आराम कर रहे हैं। देखो जी ये कुटिया बनी हुई भाई, भाई मजा आ गया देख के। इसको कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताएं भाई, थोड़ा सा वीडियो में मजा नहीं आएगा क्योंकि ना यहाँ बारिश हो रही है भाई। ये देखो ना इधर खाना वाना बनाते हैं। देखो हम बारिश में, कितनी बारिश के अंदर वीडियो शूट कर रहे हैं, भेज भी जा रहे हैं। बहुत खुश होते सुंदर शॉट भाई, इंडोनेशिया का जीवन दिल खुश हो गया। ठीक है भाई, अब आगे निकलते थोड़ा और दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला भाई। थैंक यू अंकल। अभी इस गेट को ना बंद करता हूँ, देखो मैं चप्पल पहन के, क्योंकि ये जी मैंने कर दिया इसका गेट बंद, बांस का स्लाइडिंग बना हुआ है। हाँ किचन भी देख लेते हैं भाई। ओहो मजा आएगा अंदर चल के भाई, दे दे मेरे को पकड़ा दे। ये भाई किचन में इंडिया, दोनों 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 गिव मी माइक। बात करेंगे इसमें आ जाएगी। ये भाई रसोई में आ गए भाई, यहाँ की रसोई देखो जी क्या बात है भाई। ये देखो जी पुराने समय में जो इंडोनेशिया में लोग रहते थे ना, उनकी मैं रसोई दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो खाना बनाने के लिए ना ये ईंटें लगा रखी हैं, ईंटे को साइज भी थोड़ा छोटा है। इस तरफ देखो चूल्हा बना हुआ है, और आप ये केतली बनी हुई इस तरफ देखो, ये केतली होगी भाई। थोड़ा अंधेरा होगा, मैं लाइट जलाता हूँ एक बार। ये जी लाइट जला के फिर आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो ये चूल्हा बना हुआ है, केतली होगी भाई, उस तरफ बर्तन रखे हैं, ये बर्तन हो गए। ये पुराने समय का यार, वहाँ लाइट भी लगी हुई है। देखो ये इस तरफ देखो पूरा, और ये ना लकड़ी का बना हुआ इस तरफ आप देखेंगे ना। ये देखो रेडियो भी यहाँ रखा हुआ है, अब भी यहाँ रेडियो सुना जाता है। और ये लकड़ियाँ बांस की लकड़ियाँ इसके ऊपर रखी हुई हैं, और ऊपर देखो बांस का ये लगा के ताकि धुआं वगैरह ऊपर निकल जाए, उसके लिए रखा हुआ है भाई। साफ सफाई देखो यहाँ भी मस्त रसोई है, कोई कूड़ा कचरा नहीं फैला हुआ, बढ़िया। मतलब जैसे कि मंदिर की होती हैं जो रसोईयाँ होती हैं वो भी। ये देखो जी पूरे सिल्वर के बर्तन है यहाँ, कोई मेरे को स्टील तो दिखाई दिया नहीं भाई, सिल्वर के बने हुए बर्तन है। अपने सिल्वर में बर्तन होते थे वैसे ही है। ये देखो क्या बात है भाई, मजा आ गया देख के इसको ना। ये देखो अभी इन्होंने देखने के लिए लोगों के देखने के लिए एक वो बना दिया टूरिस्ट प्लेस। हाँ बाहर अपने जैसे अपने बाहर से आ रहे तो टिकट दे दिया इन्होंने इनकी मरम्मत वगैरह के लिए। बट हाँ ये जो लोग हैं पीछे जैसे रह रहे हैं, असल में ऐसे रह रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल भाई, कैसा लग रहा है देख के कमेंट करके बताओ। बारिश बहुत तेज हो रही भाई, और लोग घूम भी रहे हैं, लेकिन हमने ना काफ़ी कुछ दिखा दिया आपको। और अभी हम वीडियो को लाइक करें, देखो पानी निकासी सिस्टम देखो जी इनका, साइड से नाली निकल रही है, ये पानी निकल रहा है यहाँ से, फूल वूल देखो इस तरफ से। ये देखो पानी ड्रेनेज का सिस्टम, पूरा पानी नीचे की तरफ जा रहा है भाई। तेरे भाई इंडोनेशिया के यहाँ गांव है, गांव में लोग ऐसे रहते हैं। ये मैं क्या कहूँ, गांव का घर भी दिखाया मैंने, बहुत पुराना गाँव है। हाँ रसोई भी दिखाई मैंने उनकी। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके ना फिर आप देख सकते हैं आपको कैसा लगेगा। ये देखो इस तरफ यहाँ इस गाँव में रहने वाले बच्चे हैं ये,
रहते यहीं पे, यहीं के भाई। कितना सुंदर गांव है यार। सोनू भाई कितना सुंदर गांव लगा आपको ये? भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया सिस्टम लगा। हाँ। कि भाई अलग अलग घर है सभी के, मगर सभी के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले हैं, दरवाजे जुड़े हैं एक साथ में यार। कम से कम मतलब ये अलग अलग कम्युनिटी, मतलब जैसे वो नहीं होता है मोहल्ला होता है, वैसे अलग अलग मोहल्ला बना हुआ है इस तरफ। जैसे ये मोहल्ला हो गया इस तरफ का, ऐसे मोहल्ला है और ये सभी की दीवार ना भिड़ी हुई है, आपस में टच है, और फिर भी अंदर जाने आने का रास्ता बना हुआ है, अंदर सब लोग जा सकते हैं, आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। ये इंडोनेशिया का गांव दिखा रहे हैं आपको, जहाँ लोग अब भी रहते हैं, ये देखो इस तरफ। और लोग अब भी देखो कैसे बारिश के अंदर ही देखने आ रहे, घूम रहे हैं, और हम भी बारिश में आए घूमने के लिए। देखो नेचर से कितना प्रेम है, किस तरह से भैया पूरे फूल वूल लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, जबरदस्त मज़ा, कमाल है भाई, देखो क्या बात है। तो भाई सभी जगह से लोग देखने आते घूमने के लिए ना यहाँ। वैसे अपने को भी ऐसे हाँ। रहना चाहिए मिल बांट के। हाँ मिल के रहना चाहिए भाई, यहाँ तो बड़े लोग प्रेम से रह रहे हैं। देखो जी जो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे लोग क्या है कि आपस में खेलते थे, वही अपने अपने जैसे मिल बांट के हाँ। भी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी वो चीज़ें नहीं रही है। शहर आ गए हैं तो खेलने की नहीं हो रहे, बच्चे आपस में वो नहीं है, ठीक है। ये गाँव मिलाप हो गया बिल्कुल, ये गांव भी अब भी खाली नहीं। देखो उस तरफ भी बना हुआ है घर, आगे चल के इस साइड भी है, और आगे चल के इस तरफ भी है, पूरा गांव है, इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये देखो जी क्या बात है, देखो लोग कैसे घूमने आ रहे हैं इस तरफ। देखो तो साहिल को दिख गया है हाँ कि हम आ गए हैं। बिल्कुल ये देखो जी क्या बात है जी, ये देखो जी ये सब टूरिस्ट हैं यहाँ घूमने जो आए हुए हैं। और बारिश में ना हमारा माइक मूक भी ख़राब हो सकता है हमें लगता है ऐसा, लेकिन भाई क्या करें, चलो दिखा देते हैं एक बार। ये देखो इस तरफ दुकान भी नहीं हुई पूरा, ये नज़ारा। आप अंदर का जो सिस्टम है ना सारों का सेम है। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे जहाँ पे किचन है ना वो वहीं पे बनेगी। हाँ सबका सेम है। देखो बाहर से थोड़े अलग अलग डिजाइन हो जाते हैं। अब इसके अलावा दिखाता हूँ, इंडोनेशिया का गाँव है इस तरफ से, ये देखो आपको या क्या बात। सोनम भाई सर जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही, मतलब कोई सेट ना बनाया गया हो? हाँ सेट है, प्रॉपर सेट बनाया हुआ है, पूरा सेट प्रॉपर बना रखा है ऐसा लग रहा है ये। मगर ऐसा नहीं है, ये सेट नहीं है कोई, ये यहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ ये देखो यार क्या कमाल लग रहा है, ये देखो इस तरफ से आपको। और ये सारे ये पत्थर के बने ना ये तो? हाँ पत्थर के हैं, लकड़ के हैं, ऐसे बने हुए। हाँ पत्थर के लकड़ के भी डिजाइन देखो यार क्या बात है भाई, ऐसा तो जिंदगी में। गवर्नमेंट ने कोई टूरिस्ट एरिया बनाया? गवर्नमेंट लोगों ने बनाया भाई, लोगों ने खुद बनाया भाई ये गांव ना, मतलब इनका गांव थे, लोग रहते थे यहाँ पे। ये देखो इतने तरीके से इन्होंने ना पुराने जमाने में बना दिए थे घर। अच्छा, अब के नहीं है भाई, अब के नहीं, बहुत पुराने गांव। हाँ। सही बात है भाई। ये भाई हम बात कर रहे थे कि अगर इस घर से उसमें घर जाने दूसरे घर में, उधर देखो दरवाजे घुसे हम इस घुसते ही यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, आगे मंदिर है। हाँ आगे सबसे आगे मंदिर हो गया, और सभी जो जितने भी तीन चार पाँच लोग घर होते हैं ना एक साथ, उनमें सब में ये मंदिर होता है। उसके बाद ये पेड़ पौधे देखो, ये उसके बाद घर हो गए, ये एक कॉमन बैठने की जगह है भाई। हाँ यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार आ गया या फैमिली आपस में। हाँ वो बैठ के यहाँ खाना खाएंगे अपना, बैठ के यहाँ खाने पीने की। हाँ, जगह ये बनी हुई है। बरसात हो रही है तो यहाँ पे आराम भी करना है, तो कुछ पर्दे लगा के रहते हैं, वो सो जाते हैं यहाँ पे। देखो पत्थर नीचे लगे हैं, और ये एक घर हो गया इस तरफ, आगे दुकान में अगर जाना है तो हमें बाहर से मुड़ के आने की जरूरत नहीं है। ये इतना विश्वास था एक दूसरे के लोग। हाँ ये दूसरी तरफ दूसरी उसमें जाने के लिए, और यहाँ हो गया आगे चल के ये घर। अभी क्या है, लोगों के मकानों में पड़ते उनके ना देख रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। हाँ उस चीज की है ना कि परवाह नहीं है, हम वो अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये देखो ये घर है यहाँ। अब ये तो लोग जैसे लग रहा, लेकिन आपको ना ऊपर देखो डिजाइन देखो इसकी, लकड़ी मच्छी हमें रख रखी है, बांस का बना हुआ है। वाह जी वाह क्या बात, घर देखो यार मजा आ गया देख के, गाँव देखो देख के कैसा लग रहा है। और ये गाँव का एक घर दिखा रहे हैं हम आपको ना, और इधर भी देखो एक गेट है, ये जा सकते हैं दूसरे घर में सीधा घुस। दूसरे घरों में जाने के लिए ना इस तरफ देखो ये गेट लगा हुआ है, ठीक है जी। और इस तरफ देखो यहाँ मछलियाँ पाली हुई है, नेचर के साथ में कितना बड़ा है, मस्त जिया जिंदगी जी रहे हैं लोग। ये देखो जी कैसा भाई, लाइक कर दो पेज को, फॉलो कर लो, और वीडियो देखने के लिए फॉलो, ऊपर फॉलो बटन है, फॉलो जरूर करो साथ में ना। ये देखो जी ये मछलियाँ पाल रखी हैं, कमाल है। ये देखो जी सुंदर घर है, ये घर अंदर से अब अंदर से क्या है कि वो रह रहे हैं, उनकी प्राइवेसी है। हाँ नहीं घरों में अंदर घुस नहीं सकते, लेकिन वो हमने रसोई जरूर दिखाई थी। आगे चल के और भी घर हैं, थोड़ा इसमें आगे चल लेते हैं, थोड़ा सी देख लो। देखो यहाँ पानी जाने का कोई सिस्टम नहीं, मैं छाता यहाँ रख देता हूँ,
हाँ हाँ देख जाओ थोड़ा सा आगे। ये देखो जी मैं प्राइवेसी दिखाने के लिए थोड़ा सा बाहर से मैं दिखा देता हूँ एक बार चल के ना। ये देखो यहाँ इन लोगों का घर कितना मस्त बना हुआ भाई, बस यहीं से दिखा देता हूँ। वहाँ भी एक छोटा पूजा करने की जगह बनी हुई है, देखो ये जगह है, ये पूजा करने की बनी हुई है। ये सब्जियाँ वब्जियाँ इस तरफ लगी हुई हैं, मस्त है भाई। ये इनका प्राइवेट एरिया, लेकिन मैंने ये दिखा दिया कि भाई कितना मस्त गांव, कितना मस्त घर बना हुआ है और कितने प्यार तरीके से रहते हैं, कितने नेचर के साथ रहते हैं। ऊपर देखो पानी निकासी का सिस्टम बना रखा है, छत बना रखी है। इसमें जाने के लिए हो गए ना? हाँ, दूसरी तरफ जाने में यहाँ पे खाने वगैरह का भी है। अच्छा अच्छा, रखा हुआ। अगर आपको खाना है तो आप ले सकते हो। ये लोकल लोग भी ऐसे बैठ के देखो जी इधर खा लेते हैं, घरों में ही दुकान खोली हुई है बाहर की तरह, तो वहाँ पे बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आते रहते हैं ना, तो हमें भी ये भेज देते हैं और जैसे अपने लिए भी खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, सब प्रोसीजर सेम है, सभी यानी कि दिख रहे सेम है, ठीक है। बाहर इन्होंने अपने हिसाब से जैसा, जैसे क्या होता है, जैसे अपने गांव में पुराने घर नहीं बनाए होते तो उसमें क्या होता है कि वो गारे से बनाते थे। हाँ ठीक है, तो वो जो घर की औरतें होती थी वो गारे से डिजाइन बनाती थी, ठीक है। तो ये भी क्या है, आदमी है, उन्होंने जैसे डिजाइन बनाए अपने, या ऐसे करके इन्होंने ये बड़ी मुश्किल से ये विलेज बनाया था। बिल्कुल, ये देखो जी क्या बात है, सब निकासी का सिस्टम बहुत अच्छा है, पानी कहीं अटक रहा नहीं है, बढ़िया से रह रहे हैं सब। पानी, फूल पौधे और लाइट, देखो अब तो लाइट भी लगा रखी है, रात को तो ये पूरा जगमग होता होगा। उस टाइम नहीं होता था, बट अभी इन्होंने लाइट्स कर दी है। हाँ, क्योंकि इनका जो एरिया है ना, हाँ, वो फेमस हो गया, फेमस लोग देखने आ गए, देखने आते लोग यहाँ देखने के लिए भाई। देखो आगे भी और इस तरह देखो अंदर दुकान वकान भी लगी हुई है। यहाँ आप खाना भी खा सकते हो। अभी क्या लोगों ने भी अपना काम खोल लिया यहाँ पे। अभी देखो जी आगे चल के तो वहाँ पे कोई, हाँ थोड़ा पीछे एक बार जाए, वहाँ पे मुझे कुछ इंडियन लगा जो सेल कर रहा है। अच्छा जी आगे चल के देखते हैं, पर बहुत से लोग काम, एक अलग ही मजा है। देखो हाँ, ये देखो जी कितने टूरिस्ट आए हैं घूमने, ये देखने इसलिए आ रहे हैं ना भाई, हमने क्या किया और इन्होंने क्या हाँ, किया भाई। ये है वेस्टर्न को अपनाने की जगह ना, हम भूल रहे हैं अपनी चीज़ों को। इनकी एक सबसे बड़ी बात है, मैं ना कई बार देखता हूँ यहाँ पे कि इंडोनेशिया के लोग हैं ना, हाँ वो ज़्यादातर है ना अपनी कंट्री में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, वो दूसरी जगह नहीं जाते अपने माँ बाप को छोड़ के। अच्छा, जाते ही नहीं है। तो वो ये चीज़ भी वो उनमें कहीं ना कहीं से इसी संस्कार से आई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी कैसा लग रहा है देख के, कमेंट करके बताओ। आगे कुछ और नई चीज़ देखने को मिल रही है, आगे चलते हैं। पूरा गाँव कैसा लगा आपको कमेंट कर दो भाई, बता दो हमें। देखो इससे लगता है पुरानी दीवारें दिख रही हैं साफ साफ, वही चिकन है, बट देखो गंदगी नहीं है बिल्कुल, साफ सफाई। मुर्गा भी है गांव में भाई। ये देखो जी इस तरफ से आपको और मस्त चीज दिखाई देगा आगे चल के। ये देखो जी यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से नीचे की तरफ पूरा पूरा गांव दिखाई देगा इस तरफ, पूरा मॉडर्न तरीके से काफी बड़ा गांव। अंग्रेज इनकी एक बात मेरे को और अच्छी लगी कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई पौराणिक संस्था है या कुछ भी है, जैसे गढ़ होते थे या कुछ होते थे, तो उसको क्या है कि माउ पोतो या इधर हो जाए भाई। तो पुराने जैसे कोई होते थे ना कुछ भी है, इतिहास की कोई चीज है, हाँ। तो वहाँ पे क्या करती थी गवर्नमेंट, क्या है कि उसको है ना खाली करवा दिया। हाँ। खाली करवा दिया, अब क्या है कि उसकी सिर्फ गवर्नमेंट पे भार पड़ गया। अब बाय द वे अगर वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो वो जगह की मरम्मत नहीं हो पाएगी, वो खंडर हो जाएगी। अब इसमें भी ऐसे ही हो सकता था, बट इन्होंने देखो कितना अच्छा आइडिया निकाला, सेल्फ मेंटेन कर रखा भाई, लोग रहे।